वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, आप ये वीडियो देखते हैं तो इसके साथ ही नीचे वाला आपको सब्सक्राइब वाला लाल बटन होता है ना, वो आपको क्लिक करना है। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि हर रोज जब भी मैं ये वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल पर रेगुलर। आप वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है, आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना है ताकि वो भी ये चैनल देखे, इसके जो भी सॉल्यूशन है उनको हेल्प होगी। ठीक है, आपको ये वीडियो को शेयर करना है ताकि बहुत सारे लोगों को इसके सॉल्यूशन मिल पाए। ठीक है, ये एक तरह से आप दूसरों की हेल्प करते हो, इसी हिसाब से आपको ये चैनल को शेयर कर कीजिएगा ताकि सभी को इस सॉल्यूशन का लाभ उठा सकते हैं और मुझे भी मोटिवेट मिलता है कि ज़्यादा काम करने के लिए। अब जैसे मुझे एक सपोर्ट मिलेगा आपका कि आप सबको शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, ठीक है, तो आप एक एज अ हेल्प एज अ मोटिवेट मुझे ज़्यादा काम करने के लिए एक उत्साह मिलता है कि आप इतना मेरे लिए कर रहे हो, यानी आपके लिए बहुत सारे मैं मटेरियल स्टडी मटेरियल जो भी चाहिए होगा वो मैं लेके आ पाऊँ। सिर्फ आपको ये चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि बहुत सारे लोगों को भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो आज का मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेने वाली हूँ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लास 7 का लेसन 8 वाइंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन साइंस का गुजरात बोर्ड की वर्कबुक सॉल्यूशन आज इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द एयर प्रेशर इफ वाइंड वेलोसिटी इंक्रीजेस। इसका बी आंसर है डिक्रीजेस। कोल्ड एयर इज हैवियर देन वार्म। हाउ मेनी हावर्स इन एडवांस इज अ साइक्लोन वार्निंग इश्यूड। सी आंसर है 24 hours। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिस वन इज करेक्ट। इन विंटर द वाइंड फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। फिलिंग द ब्लैंक्स। वाइंड इज मूविंग एयर। वाइंड आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। नियर द अर्थ सर्फेस वार्म एयर राइजेस अप वेयर एज कोल्ड एयर कम्स डाउन। एयर मूव्स फ्रॉम अ रेन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रेन ऑफ लो प्रेशर। साइक्लोन इज कॉल्ड अ हरिकोन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। सिक्स इन फिलीपींस एंड जापान कंट्रीज साइक्लोन इज कॉल्ड टाइफून। मॉनसून वाइंड फ्रॉम द ओशन कैरी वॉटर वेपर एंड ब्रिंग रेन। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। वार्म एयर इज लाइटरर देन दैट ऑफ कोल्ड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड्स। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वाइंड स्पीड। एनेमोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू नो द डायरेक्शन ऑफ वाइंड। एनेमोमीटर। नाउडेज बाय वॉट कैन द साइक्लोन अलर्ट बी इश्यूड 48 hours इन एडवांस। साइक्लोन वॉटर। वॉट इज द मूविंग एयर कॉल्ड वाइंड। क्वेश्चन 4, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स है ये। इसमें फर्स्ट है, एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम द रेन वेयर द एयर प्रेशर इज लो टू द रेन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई। फॉल्स। एयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ट्रू। इन अवर कंट्री टोर्नाडोज आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। ट्रू।
द आई ऑफ अ साइक्लोन इज अ काम एरिया ट्रू टोर्नाडोस मे फ्रॉम विथ इन साइक्लोन ट्रू द वार्म मॉनसून वाइंड्स कैरी वॉटर वेपर एंड दे ब्रिंग रेन फॉल्स क्वेश्चन फाइव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंसेस विच रेन ऑफ द अर्थ गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन इसका आंसर है द इक्वेटर रेन ऑफ अर्थ गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन वट इज द मेन सोर्स मेन रीजन फॉर फ्लोइंग ऑफ वाइंड द मेन रीजन फॉर फ्लोइंग ऑफ वाइंड इज द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ वॉट आर कॉल्ड मॉनसून वाइंड The cool winds that blow from the surface of sea towards the land which carries the rains are called monsoon wind. In which area do thunderstorms develop very frequently? Thunderstorms develop very frequently in hot and humid area. What is called thunderstorm? A thunderstorm is a storm With sound lightning and heavy rain. What is cyclone? A cyclone is a weather condition consistency of high speed wind revolving around a central area of very low or pressure. Which factors contribute to the development of cyclone? Factors like wind speed, wind direction, temperature and humidity contributes to the development of cyclone. What is tornado? A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from sky to the ground. Question 9. Next page 78. What is called the eye of storm? The center of the cyclone is a calm area. It is called the eye of storm. When do cyclone worsen the flood situation? High speed winds and continuous heavy rainfall worsen the flood situation. Answer the following question in short. First question. Explain why holes are made in hanging banners and hoardings. Holes are made in hanging banners and hoarding to allow air to pass through them. As a result, there is less air pressure on them. Otherwise, the air pressure may break or displace the banner or hoarding. What planning are required in advance to deal with the situation created by cyclone? First, listen to the warning issued by meteorological department through TV, radio or newspaper. Second, make necessary arrangement to shift to safer places. Third, store drink water for energy. Keep all the emergency number ready. Do not go near the sea. Keep an emergency kit ready. Explain about the wind flowing in the rains in the 0 degree to 30 degree latitude belt on either side of equator. The air in equilateral rain becomes warmer due to heating of earth. The warm air rises and cooler air from the rain of 0 to 30 latitude belt in either side of equator move in the wind flow from north and south toward the equator. Next question, page number 79, fourth. Explain about the wind circulation from polar rain to rain of 60 latitude. The cold air from the north pole and south poles blow toward the equator. The warm air at 60 degree latitude rises suspended. Wind from poles 60 degree latitude rises up and cold cold wind from poles rushes into take its place
In this way, the wind circulates from poles to 60 degree rays. Explain question 5. Explain thunderstorm in brief. A tropical areas there are strong upward rising wind due to high temperature. The wind carry water droplets upward, freeze there and fall down. The swift movement of falling water droplets along with lightning and sound is called the thunderstorm. Question 7. Explain giving scientific reason. Due to high speed winds, the roof of houses can be lifted and blown away. The high speed winds blowing over the roof creates a low pressure of air. The high pressure from below the roof lift up the roof and it is blown away. Answer the following question in details. What precautions should be taken if a storm is accompanied by thunder and lightning? Following precautions has to be taken. First, do not take shelter under isolated tree. Second point, do not lie on the ground. Third, do not take shelter under an umbrella with a metallic end. Fourth, do not sit near a window. Fifth, take shelter in a car as bus. Do not stay in water. Sixth point, activities to prove that air exert pressure. Apparatus and material, tin can, wire gas, tripod, burner, cold water. तो ये यहाँ पे फिर से draw करना है जिस तरह से यहाँ draw किया है, ठीक है? तो इसकी procedure देखते हैं. Take a tin can with a lid, fill in half with water, heat the can on a candle flame, fill the water boils, blow out the candle, immediately put the lid on can, put the can in wash basin, pour fresh water over the can. Observation: the shape of the tin gets distorted. Reason for happening: when water is poured over the can, steam in can condenses into water, reducing amount of air inside it. The air pressure inside can decreases than the pressure exerted by outside the can. Conclusion: this activity confirmed that air exert pressure. To show that pressure decreases when the speed of the wind increases. Apparatus and material: two balloons, string, thread stick. Procedure: take two balloons of equal size, put a little water into the balloons, blow up both the balloons and tie each one to a string. Hang the balloons 8 to 10 centimeters apart on a stick. Blow in the space between the balloon. Observation: the balloons move towards each other. Reasoning for happening: the air pressure between the balloons get reduced. The pressure outside the balloons would then push the balloons towards each other. Conclusion: we can say increased wind is accompanied by reduced air pressure. Next, page number 82. Third point: to show that warm air is lighter than the cold air. Apparatus and material: paper bag, wooden stick, candle. तो ये figure है. Procedure देखते हैं. Procedure: take two paper bag of same size, hang the two bags in inverted position on two end of wooden stick, tie a piece of thread in middle of stick, hold the stick by thread as in a balance, put a burning candle below on the bags. Observation: the balance of bag get disturbed.
रीजन फॉर हैपनिंग द वॉर्म एयर 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 फ्रॉम कैंडल पुशेस द बैग एबो द वॉर्म एयर इज लाइटर एंड इट्स राइजेस अप कंक्लूजन द वॉर्म इज लाइटर देन कोल्ड एयर. ठीक है, इसी के साथ लेसन 8 इस वीडियो में यहीं पे खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय. We'll be right back.